हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरिक का मल्टीमीडिएट इडली मिक्स। तो इनको कैसे बनाते हैं, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, इनको बनाने का तरीका क्या है, तो इसके पहले हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा कुछ इस तरह से ये पाउडर होता है। अब इनको ट्रांसफ़र कर लेना है एक बॉल में। तो इडली बनाने के लिए हमको लेना है इडली मिक्स सेम क्वान्टिटी में, और सेम क्वान्टिटी में लेना है दही, यानी कि जितना इडली मिक्स हम लेंगे उतना ही हमको कर लेना है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है दही के साथ। उसके बाद हाफ पोर्शन में हमको वाटर ले लेना है, और इडली का मिक्सचर बहुत ही स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो जब आपका इस बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा, तभी आपका इस इडली बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा और बहुत ही फ्लफी बन के तैयार होगा। तो इडली बनाने के लिए आपको ये टिप्स को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाना है, इससे आपकी इडली बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने इनको पहले कर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के इनको अच्छे से स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लिया है। इडली मिक्सचर में इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें हमको मिलता है सरगम मिलेट फ्लावर, फिंगर मिलेट फ्लावर, पर्ल मिलेट है, सिमोलिना है, ग्रीन ग्राम फ्लावर है, राइजिन है, इसमें सॉल्ट ऐड किया गया है, कैश्यू नट है, साथ में इसमें फ्रेंगी लीव्स है, करी लीव्स भी है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट के साथ ये इडली मिक्सचर हमको मिलता है, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। आप इनको अपने ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, ये हेल्दी तो है ही। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट के साथ हमारी ये इडली मिक्सचर बन के तैयार हो गई है। तो आप सभी इनको अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डोसे की रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, मल्टीमिलेट डोसा कैसे बनाते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब वहाँ पे जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इडली को बनाने के लिए इसके ऊपर पहले मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल, जिससे हमारी इडलियाँ इसमें चिपकेंगी नहीं और बहुत ही फ्लफी बन के तैयार होंगी, और बाद में इनको निकालने में बहुत ही ईजी होगी। तो इस तरह से मैंने सारे प्लेट्स में लगा लिया है ऑयल, और फिर मैंने सारे मिक्सचर को इस प्लेट में डालना शुरू कर दिया है। तो जब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो मेरे चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताना ना भूले कि हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। तो अगर कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने प्लेट्स को फिल कर लिया हो, और इसे ही बारी बारी करके मैंने सारे प्लेट्स को फिल कर लिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि मल्टीमिलेट इडली मिक्स कैसे बनाते हैं। अगर आप सबके पास कोई क्वेरी हो तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो आप सबको इस इडली के साथ कौन सी चटनी खानी पसंद है, अगर चटनी आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप सब हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सारी चटनी की रेसिपी अपलोड कर रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब वहाँ पर वीडियो को चेकआउट जरूर करें और अपनी मनपसंद चटनी के साथ इस इडली को सर्व करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इडली मिक्सचर में इसमें अच्छे से पानी को बॉईल कर लिया है, इनको स्टीम करना है हमको, और मैंने प्लेट्स को इस तरह से इसके अंदर रख दिया है, और फिर अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए इनको कुक कर लेना है, जिससे हमारी इडली बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपका पानी का मिक्सचर यानी कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी आपको इडली फ्लफी बन के नहीं तैयार होगी, बल्कि आप इसमें इक्वल पोर्शन में पानी को ऐड करें, जिससे आपकी इडली बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट बाद मैंने इनको ओपन किया, और ये देखिए हमारी इडलियाँ बहुत ही अच्छे से फ्लफी और कितने फूले फूले बन के तैयार हो गए। तो इनको हम निकाल लेते हैं, और फिर आपको सबको निकाल के दिखाते भी हैं कि हमारी इडली कैसी बनी है। तो इनको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद सारी इडलियों को हमको ट्रे से बाहर निकाला है। ये जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, हमारी इडलियाँ कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स को पाने के लिए आप सब मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो इस तरह से देखिए, मैंने इनको जिस तरह से इसमें ऑयल को ग्रीस किया था, उससे हमारी इडलियाँ कितनी अच्छे से निकल के बाहर आ गई हैं, बिल्कुल भी चिपकी नहीं वो प्लेट के अंदर, और ये देखिए कितने अच्छे से फ्लफी और फूले फूले बन के तैयार हो गए। तो इस तरह से आप सब भी इनको अपने घर पर मंगाएं, खाएं, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, मुझे प्यारे से कमेंट करके बताना ना भूलें कि हमारी आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप सब मुझे ज़रूर मैसेज करें, और आप सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इनको शेयर भी करें। तो ये देखिए, मैंने इनको तोड़ के भी दिखा दिया, ये अंदर से कितने अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि अच्छे से हमारी इडलियाँ बहुत स्टीम हो चुकी है। अब इनको मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो आइए अब टेस्ट करके भी दिखाते हैं कि हमारी इडलियाँ कैसी बनी है। तो इनको मैंने सिंपल सी प्लेटिंग कर ली है, टोमेटो सॉस के साथ मैंने इनको सर्व किया है। आप सब चाहे तो अपनी मनपसंद चटनी या फिर सांभर के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। मैंने सांभर की रेसिपी भी अपलोड कर रखी है, मैंने सांभर के वो क्विक रेसिपी कैसे बनाते हैं वो सब भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब वहाँ पे जाके वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो ये देखिए, हमने इनको डिप किया है टोमेटो सॉस में, और ये गया हमारे मुंह के अंदर। तो आप सब भी अपने घर पे इनको बनाए, खाएं, एंजॉय करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। ये तो मुझे बहुत ही बेस्ट लगी, और मैं इनको हमेशा ही अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करती हूँ। तो आप सब भी अपने घर पर बनाएं, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट देके बताना ना भूलें कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खाते लिए बनाते।